हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके टेक्निकल खड़का जी। तो मैं आपको बता दूं कि जियो ने जो प्लान लॉन्च किया था नए साल के, उसमें तो उसने उस प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूं कि ये मैं खुद जियो का सिम यूज कर रहा हूं, और मैं खुद आपको ये प्लान के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे अगर कोई आगे अपना फ़ोन रिचार्ज करना चाहे तो वो ये ऑफ़र देख के रिचार्ज कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने जियो के नए ऑफ़र अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो ये मेरा चैनल आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको जियो के बारे में बताऊंगा कि आपको, देखिए यहाँ पर मैं रिचार्ज नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो रिचार्ज नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पर अपडेटिंग दिखा रहा है, थोड़ा वेट लेगा। तो वेट देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मंथली ये दिखा रखा है। यहाँ पर आप तीनों कैटेगरी में देख सकते हैं, यहाँ पर देख लिए, और यहाँ पर आपको पूरे प्लान दिखाए हुए, प्लान टॉप अप, ये जियो फोन इंटरनेशनल, ये सब दिखा रखा है आपने। आप खुद भी अपने फ़ोन में जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको मंथली पैक में दिखा देता हूँ। देखिए प्लान काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो मंथली पैक में जो है, जो 399 का रिचार्ज है, 70 डेज मिलेंगे, वैलिडिटी मिलेगी आपको, और 70 GB डाटा मिलेगा, जो आप पर डे, मतलब पर डे 1 GB यूज कर सकते हो। और दूसरा है आपका 459 का, जो 84 दिन के लिए मिलेगा, और आपको 84 GB अनलिमिट मिलेगा, तो आप भी ये भी दे सकते हैं। फिर है 199 28 डेज का, जिसमें आपको मतलब 33 GB मिलेगा, मतलब इसमें थोड़ा बेनिफिट है वैसे, मगर देखा जाए तो ये भी 1 महीने के लिए कुछ खास ऑफर नहीं। मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया 399 वाला है, जो बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो आपको मैं दूसरा भी बता दूं, जैसे 299 का है, तो उसमें भी 28 डेज हैं, मगर 56 डेज, इसमें पर डे आपको 2 GB डाटा मिलेगा, और 1 महीने के लिए। तो आप ये भी देख, ये भी ऑफर ले सकते हैं। और फिर 500 का रिचार्ज है, जो 499 का है, 91 डेज, ये भी बहुत अच्छा ऑफर है। और इसे 91, मतलब पूरे आप 3 महीने आप इसे इंजॉय से मतलब यूज कर सकते हो, 3 महीने, ये बहुत ही अच्छा ऑफर है 3 महीने में, और पर डे बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट प्लान है ये। फिर आपको ये 309 रुपये का भी प्लान है, ये भी बहुत ही अच्छा प्लान है। तो देख देख रहे होंगे कि आप जियो में, जैसे इसने काफ़ी अच्छा जो इसने बदलाव किया है, काफ़ी बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। 309 रुपये का जो 49 दिन है, तो उसमें आपको 49 GB डाटा, मतलब पर डे 1 GB डाटा मिल रहा है आपको। फिर 149 है, ये 28 दिन के लिए, आपको इसमें 4.2 GB डाटा मिल रहा है, इसे आप 28 दिन में मतलब कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 4 GB है, और मेरे हिसाब से तो ये ऑफ़र बेकार ही है, इसको तो आप करवा ही मत ही करो ये रिचार्ज। मतलब ये है, मतलब कभी भी दे दिया जियो वाले ने, कोई बात नहीं, मगर हम क्या कह सकते हैं। फिर 509 रुपये का है, जो मतलब 49 डेज है, ये ऑफ़र तो सबसे बेस्ट ऑफ़र है। पर डे आपको 2 GB डाटा मिलेगा, और समझ लीजिए कि आपको ये 2 महीने तक मिलेगा। 2 महीने में 11 दिन कम है, कोई नहीं, मगर चलेगा। 2 GB डाटा जो हैवी यूजर है उनके लिए बहुत बढ़िया है। फिर 79 का है, जिसमें 28 डेज में 84 GB डाटा है, ये भी बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो जिसका काम ही है नेट में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। और फिर मैं आपको दूसरी स्कीम भी दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें एक 19 रुपये और 52 रुपये और 98 का है। 19 रुपये वाला 1 डे है, और 52 रुपये वाला 7 डेज है, और 98 वाला, तो मैं बता दूं, जो 19 वाला है वो है 150 GB आपको, मतलब 150 MB मिलेगा, 150 MB मिलेगा आपको। और जो दूसरा है उसमें 1.5 GB आपको मिलेगा ये, ठीक है। और जो 98 वाला है उसमें आपको 1 GB मिलेगा 14 GB के लिए, ये भी अच्छा है, तो ये यूज़ करने के लिए। बाकी दोस्तों देखिए, लॉन्ग आप लॉन्ग ट्रिम वाला भी दिखा रखा है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि 99 में 90 डेज और 60 GB डाटा अनलिमिट। मगर इसमें आपको मैं दोस्तों बता दूं, इनकी जो 60 GB ख़त्म होने के बाद भी जो स्पीड रहती है, इनमें हाई रहती है स्पीड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफ़ी रिचार्ज है। बाकी आप लोग दोस्तों, जो मेरा मेन काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। आप जैसे जैसे देख सकते हैं, ISSD कॉल को देखने के लिए कि 501 रुपये का रिचार्ज कराना है, और इसमें आपको टॉक टाइम मिलेगा
टाइम, और इसमें आप वैलिडिटी 28 दिन के लिए वैलिडिटी, जैसे जो इंटरनेशनल कॉल करते हैं उनके लिए ये सही सही है, 501 रुपये का रिचार्ज करो, और या ST कॉल के लिए टॉक टाइम है, इसमें आप जितनी भी बात कर सकते हो, रोमिंग रामिंग आप देख सकते हैं कि फिर एक 1101 रुपये का 28 दिन की वैलिडिटी है, इसमें भी आपको इतने पैसे मिलेंगे, बेनिफिट ये है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा मेन था प्लान वो है प्लान नेट पैक, कि नेट पैक में ये जो इसने बदलाव किए हैं, काफ़ी अच्छा बदलाव किया है, मुझे लग रहा है कि ये इसने BSNL के ऊपर देखते हुए ये प्लान को चेंज किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी, तो मैं आज से ही आपको न्यूज़ देते रहूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं वही न्यूज़ देता हूँ जो बिल्कुल जेन्यून होती है, मैं जो एकदम राइट न्यूज़ होती है मैं वही देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कोई एडिटिंग उडिटिंग कर दिया और एडिटिंग करके आपको कोई न्यूज़ के बारे में बता दिया। अच्छा दोस्तों फिर मैं आपको ऐसी प्लानों के बारे में बताता रहूँगा। ओके।